हाल में। ओके और मैं अपने साथ में 37 स्टूडेंट्स लेके आया हूँ। ओके जिसमें से अप्रोक्स 20 स्टूडेंट्स जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो है वो बीई के हैं। ओके बीई मैकेनिकल से। तो ये सारे मेरे साथ में आए हैं और ये आने वाला भविष्य है जी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के आपकी बातें सुनकर के अगर इनको कुछ चीजें समझ में आए तो आपकी सोच को आगे ले जाने में भी मदद कर पाएंगे। तो मैं इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूँ। शिक्षक महोदय को, हमारे बाबू जी को, आपको, सर को, प्रीतम भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि आपके सामने हम यहाँ मुलाकात कर पाए और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर आप सुना रहे हैं जी। हो सकता है इनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी स्पीच देता हूँ कि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो खाना खा के ही हम इंजीनियर, डॉक्टर या किसी भी अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। तो आज की कंडीशन ये है कि हम जितना भी सब्जियां या कोई भी खाना खा रहे हैं, कुछ परसेंट लगभग 2 ग्राम जहर हम अपने शरीर में डेली लेके जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल ऑक्सीटोज वगैरह आ गए, इंजेक्शन आ गए हैं, तो जो सब्जियों को रातों रात बड़ा कर देते हैं। कद्दू को, यदि इतना बड़ा कद्दू है, एक दिन में, एक रात में पता चला कि 10 किलो का हो गया वो। अभी कुछ दिन पुरानी घटना है कि एक आंटी ने फ्रिज में कद्दू रखा, लेके आई वो फ्रिज में रखा और नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट से कद्दू लेके आए, उन्होंने इंजेक्शन लगा के रखा था, लाके फ्रिज में रख दिया, दूसरे दिन उनको फ्रिज को तोड़ना पड़ा। वो पूरा इतना बड़ा हो गया फ्रिज के अंदर, सब जाली वाली तोड़ तोड़ के निकालनी पड़ी। तो ये चीज़ें जनरली ऑक्सीटोज वगैरह दिए जाते हैं, हम अपने जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस समय मसल्स को बढ़ाने के लिए देते हैं, तो जो कि सीधा सीधा जहर है। तो यदि हम ऑर्गेनिक खेती पे जाते हैं, ऑर्गेनिक खेती, यदि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब हमने एक छोटा सा तालाब बनाया और उस तालाब में हमने मछली पालन, मोती पालन, बदक पालन और भी कई सारे, लोटस का भी हम काम कर सकते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लोटस कमल के फूल का जो पुंकेसर होता है वो लाखों रुपए केजी बिकता है, उसकी दवाइयाँ बनती हैं। तो हम एक बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं एक्वाकल्चर का। ओके फिर जैसे जो हम बदक पालते हैं, तो बदक के अंडे में मुर्गी के अंडे से ज़्यादा 3 से 4 गुना प्रोटीन होते हैं और कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे बहुत सारी मेडिसिन है, व्याग्रा जो होती है उसमें बदक के अंडों का अंश होता है। तो बदक हमारा काम करती है, एक तो अंडे हम बेच के अर्निंग ले लेते हैं, और बदक रहने से हम जो मशीनें होती हैं, एयरेटर जो होते हैं ऑक्सीजन के लिए, उनका पैसा हम अपना बच जाता है। ओके तो हम एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज फार्मिंग में, मतलब मोती हो गया, मछली हो गया, बदक हो गया, जो कि एक्वाकल्चर के हो गए। उसके बाद तालाब के किनारे यदि हम एक एकड़ में कुछ ऐसे प्लांट लगाते हैं कि एक पेड़ हमें 5 से 10 हज़ार रुपये सालाना देखे जाए, तो लाखों रुपये हम उससे निकाल लेते हैं। ओके कुछ एरिया में फिर हम प्लांटेशन, ये कमल की खेती करके भी पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर सीप की ज्वेलरी और मोती की ज्वेलरी, मोती भस्म, शंख भस्म, लीच, समझते हैं आप लोग लीचेस, जोंक जो होती है पानी में, वो जोंक के भी बहुत अच्छा मार्केट है। मतलब पानी में अपने आप हो जाती है, शंख और जोंक अपने आप हो जाती है, उनसे भी हम लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके किसान अच्छे पैसे निकाल सकता है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक, यदि हम जाते हैं ऑर्गेनिक वे में, तो हम आने वाले समय में एक लोगों को अच्छा भविष्य, अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का वो है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, हम लोग ये पूरे प्लांट अभी ऑल ओवर इंडिया लगाने वाले हैं और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ऑफिस भी खोलने वाले हैं इसके लिए। तो इससे संबंधित कोई क्वेरीज, कोई जानकारी आपको चाहिए तो अभी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।